My colleague Sri Hardeep Puri, distinguished guests, greetings to all those gathered here today. You are all important stakeholders in this historic effort to provide a home for every Indian. एक महीने में दूसरी बार मुझे हाउसिंग सेक्टर के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और ये हमारे उस कमिटमेंट को दिखाता है कि मध्यम वर्ग के घर के सपनों को पूरा करने के लिए हम कितने गंभीर हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कई साथी हैं जो क्रेडे के कार्यक्रम में भी मौजूद थे। साथियों, तालकटोरा स्टेडियम में मैंने देश के हाउसिंग सेक्टर उससे जुड़े युवा साथियों से कहा था कि वो हाउसिंग सेक्टर को न्यू इंडिया की ऊर्जा और आवश्यकता के हिसाब से गति दें। इसके लिए देश और दुनिया में जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी, हाउसिंग से जुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करें। आपकी मदद के लिए हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़े रहने को तैयार है, आपके साथ चलने को तैयार है, दो कदम आगे जाने को भी तैयार है। और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी ये कॉन्फ्रेंस है। दिस इज द सेकेंड टाइम आई एम इंटरेक्टिंग विद दोज एसोसिएटेड विद द हाउसिंग सेक्टर। This shows the desire of the government to keep engaging with you all, know more about your good work, understand your suggestions, and work towards a vibrant housing sector. It also shows your passion and commitment towards a strong housing sector that benefits the poorest of the poor in our country. I understand that members participating in this conference will either showcase innovative housing technologies or will learn from the new innovations that are being shown. This too is very valuable. Saathiyo, aaj ki conference ya phir global housing technology talent ki avashyakta isliye mehsoos hui क्योंकि देश में शहरों का तेजी से विस्तार और विकास हो रहा है। भारत उन देशों में है जहां बहुत फास्ट अर्बनाइजेशन हो रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के चलते नए घरों की आवश्यकता भी उतनी ही तेजी से महसूस की जा रही है। साथियों, हमारी सरकार ने हाउसिंग सेक्टर की शक्ल बदलने के लिए 7 फ्लैगशिप मिशन पर एक साथ काम किया है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, हृदय और अमृत जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसके साथ ही शहरों के ट्रांसपोर्ट में बदलाव और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं भी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारे सामने अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से घर बनाने की चुनौती है। साथियों, इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया। घर बनाने वालों और घर खरीदने वालों दोनों को ही किस तरह की दिक्कतें आ रही थी उन्हें ध्यान में रखते हुए हमने फैसले लिए। हमने सबसे ज्यादा जोर एफोर्डेबल हाउसिंग पर दिया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कानूनों को ठीक किया। तीसरा, हमने स्किल डेवलपमेंट पर काम किया। और चौथा, इन सब के साथ साथ हमने हाउसिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। आज का ये कार्यक्रम भी उसी की एक कड़ी है। और मुझे याद है कि प्रगति की एक मीटिंग में, शायद आपको मालूम होगा ये मेरी प्रगति की मीटिंग क्या होती है, इसलिए मैं उसके विस्तार में जाता नहीं हूं,
और प्रगति की एक मीटिंग में मैंने मंत्रालयों को ग्लोबल चैलेंज प्रोसेस अपनाने की सलाह दी थी। आज मुझे खुशी है कि आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के जरिए आप सभी यहां पर है। फ्रेंड, ए हाउस इज नॉट ओनली फॉर वॉल्स, इट इज दैट प्लेस वेयर द पावर टू ड्रीम कम्स एंड एस्पिरेशंस आर फुलफिल्ड। ए होम इज ए मच अबाउट डिग्निटी एंड सिक्योरिटी एज इट इज अबाउट शेल्टर। इट ऑलवेज शॉक एंड सैडन मी दैट इन ए नेशन लाइक अवर्स सेवरल पीपल डू नॉट हैव देयर ओन होम। वी हैव बीन वर्किंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इज माई ड्रीम दैट एवरी इंडियन हैज ए पक्का हाउस बाई 2022 एंड वी आर वॉकिंग द टॉक इन दिस रिगार्ड। During our tenure, our 1.3 crore houses have been made already. To give you an idea of the scale, the previous government made only 25 lakh houses. The numbers speak for themselves. Our work does not stop at making four walls. We are ensuring the houses have water connection, power connection, Ujwala connection, and other such facilities. The quality of house and the space per home has also improved in the last 4.5 years. But there is more to be done, and for that, I seek the support of the private sector. And what better way to do it then be global housing challenge. Let us work together, enhance our capacities, and do something that helps the poorest of the poor. साथियों, हमारे देश में जिस तरह गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लिए अपने घर का सपना दूर होता जा रहा था, वो स्थिति ठीक नहीं थी। इसे स्थिति को बदलने के लिए अनेक स्तर पर एक साथ काम किया गया। हमने कोशिश की कि गरीब और सामान्य मध्यम वर्ग को घर खरीदने में जितनी भी मुश्किल आ रही है, जो भी उसकी चिंता है, उसका एक एक करके समाधान किया जाए। आज हमारी सरकार के प्रयासों का ही असर है कि होम लोन पर ब्याज दर पहले से मुकाबले कम हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सरकार जितनी राहत दे रही है, उसके बाद लोगों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत होना का अनुमान है। यानी अगर किसी ने 19-20 लाख रुपए का कर्ज 20 साल के लिया है, तो सरकार की योजनाओं की वजह से उसके 5-6 लाख रुपए सीधे सीधे बचना तय है। साथियों, हमारी सरकार ने इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है, और ये इसलिए किया गया कि गरीब और मध्यम वर्ग के पास एक तो घर खरीदने के लिए ज्यादा पैसा बचे और घर की कीमतें भी कम हो। हाल ही में दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार और जीएसटी काउंसिल ने लिए। इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स जीरो कर दिया गया है। इसके अलावा अब दो घरों के अनुमानित किराए पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट अब एक के बजाय दो घरों पर मिलने वाली है। ये तमाम प्रयास मध्यम वर्ग को नए घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं, जिसका सीधा लाभ आपके बिजनेस को भी होना निश्चित है। उसमें तो ताली बजा सकते हैं। साथियों, जीएसटी ने भी रियल एस्टेट के कारोबार को
डेवलपर्स और ग्राहक दोनों के लिए बहुत आसान किया है। हाल में ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर जीएसटी को बहुत कम किया गया है। एफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी 8% से घटाकर 1% कर दिया गया है और वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। मध्यम वर्ग के लिए बन रहे घरों के प्रोजेक्ट में फंडिंग की समस्या ना हो इसके लिए एफोर्डेबल हाउसिंग फंड भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू मेक मोर होम्स एंड बेटर होम्स वी ऑल्सो हैव टू बी सेंसिटिव टू द सजेशंस ऑफ दोज इन द हाउसिंग सेक्टर एंड वी आर डूइंग दैट। वी हैव बीन वर्किंग टू स्ट्रेंथन एंड रिफॉर्म द हाउसिंग सेक्टर फ्रॉम द रेरा एक्ट विच इंप्रूव कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस इन डेवलपर्स एंड ब्रॉड ट्रांसपेरेंसी इन द रियल एस्टेट सेक्टर टू अवर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ड्रीमन बाय इंप्रूवमेंट इन कंस्ट्रक्शन परमिट्स वेर इंडिया क्लाइम फ्रॉम 181 रैंक टू 52 इन एंड 52nd प्लेस। वी हैव बीन कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। साथियों, सरकार की नीतियों की वजह से आपको एक और मदद मिलने वाली है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में ह्यूमन रिसोर्स का एक बड़ा पूल विकसित हुआ है जो घर बनाने की तकनीक के बारे में जानता है, ट्रेन है। हमारी सरकार ने इस सेक्टर में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए भी एक अभियान चलाया हुआ है। इस प्रशिक्षण अभियान के बाद हजारों महिलाएं, पहले हमारे यहां जो गांव में काम करते थे शब्द होता था राजमिस्त्री, पहली बार एक बदल आया है, हजारों की तादाद में महिलाएं रानी मिस्त्री के तौर पर काम कर रही हैं। हमारी कोशिश है कि इस सेक्टर में युवाओं की टेक्निकल स्किल को बढ़ाकर उन्हें मार्केट रेडी किया जाए ताकि आप जैसे उद्यमियों को भी लाभ हो और युवा साथियों को भी ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम में भी बदलाव हो, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए भी ये सेक्टर एक नया विकल्प बनकर के उभरा है। साथियों, भारत में कंस्ट्रक्शन की अप्रोच में हमने एक और बदलाव किया है। अब चाहे सड़कें हो, रेजिडेंस अपार्टमेंट्स हो या फिर कमर्शियल बिल्डिंग, इको फ्रेंडली डिजास्टर रेजिलिएंट और एनर्जी एफिशिएंट निर्माणों का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके लिए लोकल इनोवेशन की जरूरत है जिसमें हमारे युवा साथी जुटे हुए हैं। साथियों, आपको जानकर के खुशी होगी कि आशा इंडिया यानी एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेटर इस तरह के इनोवेशन को बाजार के हिसाब से ढालने में लगा है। आशा जीएसटीसी इंडिया का हिस्सा है। इसमें मुंबई, मद्रास, खड़गपुर और रुड़की में आईआईटी में काम कर रहे 4 इंक्यूबेशन सेंटर पर युवा उद्यमियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के आइडिया को बाजार के हिसाब से उपयोगी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। साथियों, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस तरह के इनोवेशन, तकनीक और इंजीनियरिंग पर काम कर रहे कुछ विद्यार्थी यहां पर भी मौजूद है। यहां पर होने वाली चर्चा को नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN पर भी डाला जाएगा जिससे देश के शिक्षण संस्थाएं इसका लाभ उठा सके। यहां जिन चुनौतियों पर चर्चा होगी उन्हें सुलझाने के लिए इसी नेटवर्क के जरिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी मौका दिया जाएगा। आप सभी हाउसिंग टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में हो रहे इस अद्भुत प्रयोग का हिस्सा बन सके इसके लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश
इन प्रदेशों में शुरू हो रहे इन प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन की नई तकनीक का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आपके लिए लाइव लेबोरेटरीज है, यहां पर आप वेबकास्ट डेमो जैसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के युवा प्रोफेशनल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथियों, जीएचटीसी इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। इसके माध्यम से हमारी चुनौतियों के ग्लोबल सॉल्यूशंस हमें मिल पाएंगे। आपके उत्साह को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कंस्ट्रक्शन क्रांति की शुरुआत है और हम अपने शहरों के कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस से भारत को तो लाभ होगा ही, साथ में दुनिया भर के बिल्डर, आर्किटेक्ट, पार्स, ग्लोबल सिविल इंजीनियरिंग फर्म्स को भी इससे फायदा होने वाला है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। साथियों, न्यू इंडिया के नए बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके सेक्टर के लिए बहुत संभावनाएं हैं। देश में न्यू मिडिल क्लास का तेजी से प्रसार हो रहा है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां घरों की डिमांड सबसे तेजी से बढ़ रही है। हम इस डिमांड को पूरी कर पाए, कंस्ट्रक्शन में आधुनिक टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग हो, इसके लिए मैं अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 के वर्ष को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के तौर पर भी घोषित करता हूं। साथियों, आज यहां पर मुझे एक एटलास का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला। परिस्थितियां कैसे बदलती है, आपको आश्चर्य होगा, हमारे देश में डिजास्टर रिलेटेड विषय सबसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हुआ करते थे और सालों तक वो कृषि विभाग का हिस्सा था, क्योंकि हमारे यहाँ डिजास्टर का मतलब बाढ़ और सूखा, यहाँ तक सीमित सोच थी और इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग इसको हैंडल करे। गुजरात में 2001 में भूकंप आने के बाद ध्यान में आया कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है और उसके बाद उस महत्वपूर्ण इकाई को वहाँ से निकाल करके होम मिनिस्ट्री को दी गई, जो कि स्टेट का कोऑर्डिनेशन करती है, यानी एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप था, ये अटल जी की सरकार के समय किया गया। उसके बाद गुजरात में 2001 में भूकंप आया था तो पता था कि इन चीज़ों को हम घटना होने के बाद कुछ करेंगे, उसके पहले हमें देश को अब इसके लिए तैयार करना होगा। गुजरात में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस प्रकार के डिजास्टर की संभावना वाले इलाके, उसके भिन्न भिन्न तरीके, कहीं पर केमिकल की समस्या हो सकती है, कहीं पर G5 जोन की समस्या हो सकती है, ऐसे अलग अलग मैप डिस्ट्रिक्ट वाइज और विलेज तक बनाने का प्रयास हुआ था। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार ने उस विषय को और एक्सपांड करते हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, और मैं चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़े कोई भी हो, सिर्फ बिल्डिंग नहीं, कोई भी, इवन पाइपलाइन डालने वाले, गैस की पाइपलाइन डालने वाले भी इस एटलास को ध्यान में रखते हुए ही अपनी योजना करें। और मैं तो सरकार को भी कहूँगा कि अंदर अपनी टेंडर सिस्टम में भी इसका रेफरेंस लाना चाहिए कि आपने इस एटलास को स्टडी किया है, जहाँ पर आप काम करने वाले हो इस एटलास में जिन चीज़ों को बताया गया है उसको आप कैसे एड्रेस करने वाले हो, हिंदुस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट का, राज्य सरकारों का भी, तब जा करके इंस्टीट्यूशनलाइज होगा। उसी प्रकार से हमारे इस एटलास के आधार पर उन इलाकों में जो यूनिवर्सिटीज हो, प्लानिंग के हो या इंजीनियरिंग की हो या आर्किटेक्चर हो या स्ट्रक्चरल वाले हो, उनके वहाँ के सिलेबस भी उस एरिया की वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रख करके बनानी चाहिए, ताकि वहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा उसको, क्योंकि वो ज़्यादा तो उसी इलाके में काम करने वाला है, तो उसको पता चलेगा कि मेरे यहाँ ये चैलेंजेस हैं तो मेरे इस कंस्ट्रक्शन की दुनिया के काम इसी प्रकार से होंगे। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सबके यहाँ
अपनी अपनी कंपनीज में अपने लोगों एक्सपर्ट लोगों के साथ एक एटलास पर दो दो दिन के वर्कशॉप करने चाहिए। एटलास समझना, उनसे उनके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं उसको देखना, क्योंकि इन चीज़ों को हमें आगे ले जाना होगा। और देखिए भारत की ताकत क्या है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर हमारे देश का ध्यान कम जाता है। आप जितने भी ये कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, भारत लंबे समय के लिए अच्छे कंस्ट्रक्शन कैसे करे उसमें आपकी महारत है, लेकिन जिन्होंने इस बार का कुंभ का मेला देखा होगा उनको पता चलेगा कि मेकशिप अरेंजमेंट भी कितनी उत्तम बनाई जा सकती हैं, कितनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाई जा सकती हैं, इस देश ने करके दिखाया है। गंगा के तट पर 40 दिन के अंदर 22 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हो, हर दिन गंगा के तट पर यूरोप का एक देश एक प्रकार से इकट्ठा हो जाता हो, वहाँ पर स्वच्छता इतनी बढ़िया हो सकती है, ये देश ने दिखाया है। इतना ही नहीं, हमारा जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, स्मार्ट सिटी के द्वारा टेक्नोलॉजी के द्वारा सेंट्रल कमांड सिस्टम कैसे काम कर सकती हैं, पूरे कुंभ के मेले में हमारे नौजवानों ने उसको करके दिखाया। यानी हमारा देश उस सामर्थ्य को रखता है, हम अगर उसकी तरफ नजर करें, देखें कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे लोग विकसित कर सकते हैं, अगर मेकशिप अरेंजमेंट इतनी उत्तम हो सकती है तो परमानेंट व्यवस्थाएं तो शायद दुनिया के रूप में एक मॉडल बन सकती है। और मुझे विश्वास है कि ये दो दिन का हम लोगों का मंथन उन चीजों को लेकर के आएगा जो आपकी कंपनी की स्थिति तो सुधारे, मुझे खुशी होगी, लेकिन इस सेक्टर की स्थिति को भी सुधारे, उसमें नई ताकत लाए, नई गति लाए, नयापन लाए, ये बहुत आवश्यक है। और अब मान के चलिए हिंदुस्तान जो भी करेगा दुनिया उसको गौर से देखती है। इस देश की ताकत है डिक्शनरी के शब्दों के अर्थ बदल देता है। कभी अभिनंदन का अंग्रेजी होता था कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अब अभिनंदन का अर्थ बदल जाएगा। ये ताकत इस देश में है, आइए उस आत्मविश्वास को लेकर के चले। एक पराक्रमी राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ना है और सपनों को पूरा करने के लिए समयबद्ध समय सीमा में एक के बाद एक कदम उठाना है। सरकार आपके साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद।